the triple integral, triple integral v x to power x minus 1 and are all positive, then the triple integral v x to power l minus 1, y to power m minus 1, z to power n minus 1, dx, dy, dz is equal to the gamma l, gamma m, gamma n on gamma l plus m plus n plus 1, where v is the region, x, y, z are positive, and x plus y plus z is less than equal to 1. So, अब यहाँ पे प्रूविंग है नहीं, वो हमने करा दिया था पिछले साल, इसलिए आप सिर्फ स्टेटमेंट को समझिए। तो यहाँ पे अगर x plus y plus z is less than equal to 1 है, तो उस वक्त ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर l minus 1, y की पावर m minus 1, z की पावर n minus 1, dx, dy, dz की वैल्यू होगी गामा l, गामा m, गामा n अपॉन गाम, यही चीज देखना है। अब यहाँ पे प्लेन जो है अब वो आपका इस टाइप का हो, x plus y plus z is equal to 1। अगर प्लेन आपका डिफरेंट है तो हमें सपोज करना पड़ेगा, यानी हमें इस प्लेन में रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब थ्री डायमेंशनल का अगर कोई भी फिगर है उस फिगर को हमें प्लेन के फिगर में रिड्यूस करना पड़ेगा। जब वो रिड्यूस हो जाएगा तो तब हमारी ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx, dy, dz की वैल्यू होगी गामा l, गामा m, गामा n अपॉन गामा l प्लस n प्लस n प्लस 1। यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ ट्रिपल इंटीग्रेशन में यहाँ पे अरेंज करना होता है। जैसा कि ये प्रूविंग है नहीं तो इसको मत लीजिएगा, जैसा कि आपका ये हमने तो प्रूविंग किया है, आप सिर्फ फार्मूला देखिए, इसके बाद एक और फार्मूला है मास का, मास इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल रो dx dy, इसी तरीके से वॉल्यूम और एरिया का फार्मूला पहले भी करा चुके हैं, यहाँ पे भी लिख दिया है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है द प्लेन x की पावर a, द प्लेन x की पावर a प्लस y की x अपॉन a प्लस y अपॉन b plus z upon c is equal to the 1 meets the axis in a comma b and c, apply Dirichlet integrals to find the volume of the tetrahedron OABC, also find its mass if the density at any point is kxyz. So, इन्होंने कहा एक प्लेन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1 है, जिसमें हमको वॉल्यूम और मास निकालना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिपल इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसके लिए हमारे पास जो ट्रिपल इंटीग्रेशन का फार्मूला और प्लस z इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, समझ रहे हैं? x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1 होना चाहिए ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन यहां पे आपका ये है, इसलिए हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेन जो x अपॉन a को और प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c को x प्लस y प्लस z इक्वल होगा, तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए x अपॉन a को x नहीं मान सकते हैं और y अपॉन b को y नहीं मान सकते हैं, z अपॉन c को z नहीं मान सकते, सेम वेरिएबल है, इसलिए
लिए हमें x अपॉन a को u मानना पड़ेगा, w मानना पड़ेगा। तो वही चीज है कि पुट x अपॉन a इज इक्वल टू दी u और y अपॉन b इज इक्वल टू दी v और z अपॉन c इज इक्वल टू दी 1 इज इक्वल टू दी w एंड x प्लस एंड u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 1। अब जैसे ये हो गया है तो यहाँ पे आपका जो आपका वॉल्यूम है dx dy dz है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी x हो जाएगा au, y हो जाएगा bv और z हो जाएगा cw। तो dx हो जाएगा adu, dy हो जाएगा bdv और dz हो जाएगा cdw। तो वॉल्यूम क्या फार्मूला होता है, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, यानी ए बी सी डी एक्स क्या है ए डी यू, डी वाई है बी डी वी और डी जेड है सी डी डब्ल्यू, जिसमें हम ए बी सी कॉमन ले लेंगे, यानी आएगा ट्रिपल इंटीग्रल डी वी डी डब्ल्यू वेयर यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये हो गया है, देखिए अब हमारे पास प्लेन तो ये आ गया है, अब हमको इसमें तब्दील करना है x अपॉन x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर माइनस 1। देखिए अब यहाँ पे x y z तो इसमें है नहीं, वॉल्यूम में u v w है, तो आप ये जानते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल, आप ये जानते हैं कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को हम एफ वाई डी वाई भी लिख सकते हैं और इंटीग्रल एफ डैश डी जेड या एफ टी डी टी या इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, ये हम अल्फाबेट चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी इंटीग्रल में अगर हम अल्फाबेट बदल भी दें तो इस इंटीग्रल के कोई मान के ऊपर, कोई वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल आपका डी यू डी वी डी डब्ल्यू है, तो उसमें हम काम क्या करेंगे, x की पावर ट्रिपल इंटीग्रल आपका डी यू डी वी डी डब्ल्यू था यानी 1 था, तो उसके प्लेस पे लिख सकते हैं u की पावर 0, v की पावर 0, w की पावर 0 और क्यों लिखा है, क्योंकि 1 है वहां पे, इसलिए हम यहाँ पे 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं u की 0 के प्लेस पे 1 माइनस 1। ये हमको फार्मूले में रिड्यूस करना है l माइनस 1, m माइनस 1, n माइनस 1, तो उसके प्लेस पे लिख देंगे 1 माइनस 1 u की पावर, v की पावर 1 माइनस 1, w की पावर 1 माइनस 1, du, dv, dw, और इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा l, गामा m, गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, यानी गामा 1, गामा 1, गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो गामा 1 होता है फैक्टोरियल 0, क्योंकि गामा n प्लस 1 होता है फैक्टोरियल n, गामा n प्लस 1 गामा n प्लस 1 क्या होता है फैक्टोरियल n, इसी तरीके से गामा यानी गामा 1 यानी गामा 1 हो जाएगा एबीसी अपॉन 6। मास में क्या है आपका, मास है ट्रिपल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई डी जेड और रो है आपका के एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, के हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स के प्लेस पे ए यू, वाई के प्लेस पे बी बी और
जेड के प्लेस पे सी डब्ल्यू और डीएक्स हो जाएगा ए डी यू, डी वाई हो जाएगा बी डी वी और डी जेड हो जाएगा सी डी डब्ल्यू, यानी एबीसी एबीसी कॉमन होके आ जाएगा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्रिपल इंटीग्रल यू वी डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे यू वी डब्ल्यू की पावर है वन और हमको लिखना है फार्मूले में रिड्यूस करना, यानी एल माइनस वन एम माइनस वन जेड माइनस वन, इसलिए हम उसको लिख देंगे टू माइनस वन। वन को लिख सकते हैं टू माइनस वन, यानी यू की पावर टू माइनस वन, वी की पावर टू माइनस वन, डब्ल्यू की पावर टू माइनस वन। तो ये हो जाएगा गामा टू गामा टू गामा टू अपॉन गामा टू प्लस टू प्लस टू प्लस वन। तो गामा टू हो जाता है फैक्टोरियल वन और फैक्टोरियल वन वन होता है, और गामा सेवन हो जाएगा फैक्टोरियल सिक्स और फैक्टोरियल सिक्स होगा 720। तो इस तरीके से आपका पहला न्यूमेरिकल हमने जो बताया है वो देख के समझिए, अगर कोई डाउट तो पूछिए। सर ये यू के पावर वन माइनस वन बी के पावर वन माइनस वन डब्ल्यू के पावर वन माइनस वन ये कैसे हुआ सर, समझ में नहीं आया। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए लिखा है एबीसी ट्रिपल इंटीग्रल डी यू डी वी डी डब्ल्यू, यानी ट्रिपल इंटीग्रल। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वन है, ये वन है आपका, तो वन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं यू की पावर जीरो, वी की पावर जीरो, डब्ल्यू की पावर जीरो, क्योंकि किसी की पावर जीरो जो होता है वो वन होता है। अब इसको इस फार्मूले में रिड्यूस करना है एल माइनस वन एम माइनस वन एन माइनस वन, इसलिए अब ये हो जाएगा यू की पावर वन माइनस वन, वी की पावर वन माइनस वन और डब्ल्यू की पावर वन माइनस वन। क्यों? क्योंकि ये इसमें हमें रिड्यूस करना है, बाकी वहां पे एक्स वाई जेड अल्फाबेट है, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू है। हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रल में अल्फाबेट के बदलने से उसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे? यस सर। चीज हमने यहाँ पे बताई है आपको, वही चीज यहाँ पे भी है। मास के टू माइनस वन टू माइनस वन। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। यहाँ पे ये मल्टीपल में है कि ये डी यू क्या होता है, डी एक्स क्या होता है ए डी यू और डी वाई होता है बी डी वी और डी जेड होता है आपका सी डी डब्ल्यू। तो हमने डी एक्स डी वाई डी के लिखा है ए डी यू बी डी वी और सी डब्ल्यू, इसलिए ये ए बी सी है, इसीलिए बाहर होके ये कॉमन हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। ये पावर में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, समझ गए? किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर आगे बताएं।
पहला क्वेश्चन समझ में आया कि इसमें सिर्फ अरेंज करना होता है बस। यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का मतलब उसको अरेंजमेंट है। बोलिए सर। आ गया सर, आ गया। नेक्स्ट बताइए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, जेड की पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड, वेयर एक्स x comma y comma z are all positive by the condition x upon a ki whole power p plus y upon b ki whole power q plus z upon c whole power r is less than equal to 1। अब यहाँ पे भी वही चीज है कि हमको ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू बताना है, जबकि प्लेन जो है वो उस लिए इस प्लेन को यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। लेट x अपॉन a की पावर p इज इक्वल टू द u, y अपॉन b की पावर q इज इक्वल टू द v, z अपॉन c की पावर r इज तो x हो जाएगा आपका a u की पावर 1 बाय p, y b की पावर 1 बाय q और z इज इक्वल टू द c w की पावर 1 बाय r। तो dx हो जाएगा आपका a अपॉन p u की पावर 1 अपॉन p माइनस 1 du, और dy हो जाएगा b अपॉन q v की पावर 1 अपॉन q माइनस 1 dv। और इसी तरीके से वो नेक्स्ट पेज पे लिखा है dw इज इक्वल टू दी c अपॉन r w की पावर 1 अपॉन r माइनस 1 dw। तो जब ये हो गया है तो अब आपका प्लेन किसमें हो गया, u प्लस v प्लस w इज लेस देन इक्वल टू 1। अब जब ये प्लेन इसमें हो गया है तो हम यहाँ पे काम क्या करेंगे, जो ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz है, इसमें x y z की वैल्यू रख देंगे। x के प्लेस पे लिखेंगे a u की पावर 1 बाई p, y के प्लेस पे लिखेंगे b v की पावर 1 बाई q, और z के प्लेस पे लिखेंगे c w की पावर 1 बाई r, और इसी तरीके से dx dy dz लिख देंगे इसमें। और हमारा जो वो है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन का रिड्यूस हो जाएगा आपका। अब रखने के बाद जब हम अरेंज करेंगे तो a की पावर l, b की पावर m, c की पावर r अपॉन p क्यू r, और ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा u की पावर l अपॉन p माइनस 1, v की पावर 1 m अपॉन q माइनस 1, और w की पावर n अपॉन r माइनस 1 du dv dw। तो ये क्या होता है, गामा एल बाई पी गामा एम बाई क्यू गामा एन बाई आर अपॉन गामा एल बाई पी प्लस एम बाई क्यू प्लस एन बाई आर प्लस 1। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए, समझिए, कोई डाउट पूछिए। और जिसमें नीचे से ऊपर से जो थर्ड लाइन है वो देखिए मेन।
माइनस वन कैसे आ गया? A U की पावर बी डिसीज में होता है, बेस से में पावर वो आपकी पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो जाएगा A की पावर L माइनस वन और ये हो जाएगा U की पावर L माइनस वन अपॉन P. समझ गए हैं? ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरीके वहीं पे आपके पास L माइनस वन अपॉन P है, उसमें U की पावर वन अपॉन P माइनस वन है, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे तो माइनस वन अपॉन P और प्लस वन अपॉन P